हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम जा रहे हैं म्यूज़ियम देखने, मतलब BSF का जो म्यूज़ियम है वो हम देखने जा रहे हैं। और मैं बहुत बार देख चुकी हूँ बट आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए, और आज हमारे साथ सारे बच्चे जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं सफ़र म्यूज़ियम का। तो हम लोग निकल गए ई रिक्शा में। मैं तो जी फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं म्यूजियम पे। चलिए अंदर चलो। तो ये जो आप एयरक्राफ्ट देख रहे हैं ये डकोटा DC-3 है। देखिए आप फ्रंट व्यू देख लीजिए डकोटा DC-3 का। तो डकोटा DC-3 1930 में जो इंडियन एयरफोर्स है उसमें शामिल किया गया था। और 1940 से 1980s तक इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और डकोटा का जो दूसरा नाम है इस एयरक्राफ्ट का वो परशुराम भी कहा जाता है। तो अभी जो इंडिया में अवेलेबल है वो दो डकोटा अवेलेबल है। और एक तो आप जो देख रहे हैं एक ये है और दूसरा है आपका गाजियाबाद हिंडन एयरबेस है, वहाँ पर है। और वो ब्रिटेन से मरम्मत होके 2019 में शामिल हुआ है, मतलब एक विंटेज एयरक्राफ्ट के तौर पर। और जो 1947 से 1971 में, मतलब बांग्लादेश का जो 1971 में हुआ था और जो 1947 पे कश्मीर में जो कब्जा कर लिया था उस टाइम पे वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई ट्रेन या फिर बस का कोई साधन नहीं था, तो उस टाइम पे डकोटा का यूज़ किया गया। और डकोटा ने उस टाइम पे जितने भी हमारे भारत के जितने भी जवान थे जो भी उस लड़ाई में शामिल हुए उन सबको वहाँ तक छोड़ा। तो डकोटा की बहुत अहम भूमिका है। और तो आप ये जो डकोटा का देख रहे हैं इसकी जो रेंज है वो है 2500 किलोमीटर की रेंज है। और इसका जो ये स्पेन है, मतलब विंग स्पेन जो आप देख रहे हैं वो विंग स्पेन की जो लंबाई है वो 29 मीटर्स की है। जो हाईएस्ट लंबाई होती है वो 80 मीटर्स की होती है और इसकी 29 मीटर्स की है। और सबसे बेस्ट उस टाइम डकोटा DC-2 DC-3 था, तो सबसे बेस्ट जो था वो DC-3 था। और इसमें दो इंजन है और इसमें 14 पैसेंजर बैठ सकते हैं। पर अभी अंदर से लॉक कर रखा है तो मैं आपको दिखा नहीं सकती। और ये जो टायर आप देख रहे हैं, जब हम छोटे थे ना तो उस टाइम पे ये ना पक्का नहीं था, ये जो देख रहे ना ये पक्का नहीं था। तो ये टायर है ये उस टाइम पे अंदर घुसे हुए थे, मतलब ये अंदर घुसे हुए थे, मिट्टी में गड़े हुए थे। ये नए टायर लगाए गए हैं इसे और काफ़ी काम किया गया है, तो ये बहुत अच्छा है। पहले ही इस जो प्लेन का एयरक्राफ्ट का जो स्टेशन था वो पालम था। पालम से फिर इसे दिल्ली लाया गया, दिल्ली से फिर महाराजा एयरपोर्ट है अपना ग्वालियर, वहाँ पर रखा गया। और उसके बाद फिर यहाँ से रिक्वेस्ट गई BSF से कि इसे यहाँ शिफ्ट किया जाए, तो वहाँ से फिर यहाँ पर लाया गया और तब से ये वहीं पर है। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, अभी लॉक लगा हुआ था बट अभी ओपन कर रहे हैं भैया। तो हम लोग चलते हैं अंदर और आपको मैं अंदर का व्यू दिखाती हूँ कैसा है। और ये देखिए कुछ फैमिलीज आ गई हैं, वो बच्चे आए हुए हैं, BSF से ही है, सारे के सारी फैमिलीज वहाँ पर हैं। तो हाय बोल दो सब लोग। तो सब लोग आ रखे हैं देखने के लिए और बच्चों को भी देखना ज़रूरी है कि हमारे देश में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। और पुरानी चीज़ों से बच्चों को जब तक ना मिलाया जाए तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारे और पेरेंट्स के टाइम पर क्या क्या चीज़ें थी। चलिए अब हम ऊपर चल रहे हैं तो आपको मैं ये दिखा देती हूँ कि ये जो आपका एयरक्राफ्ट है ये 14 सीटर है। 14 ये तो आपका सिटिंग का हो गया है। और आइए आगे मैं आपको दिखाती हूँ जो आपको दिखाते हैं। ये है कॉकपिट, तो आपको मैं कॉकपिट में ले जाती हूँ सबसे पहले। ये पायलट को पायलट जो बैठते हैं उनके लिए है। और ये जो उस टाइम की टेक्निक थी उसके अकॉर्डिंग ये बना हुआ है, तो आप देख लीजिए। तो ये देखिए आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए
और इधर से अब हम वापस जाते हैं। ये यहाँ पे भी सिटिंग का है, कोई एक्स्ट्रा पर्सन बैठ सकता है यहाँ पर। तो छोटे में हम लोग आते थे तब बहुत डर लगता था चल ऊपर को आने में। और ये देखिए सीट्स हैं, वो पीछे जो आप देख रहे हैं एरिया वो लगेज वॉशरूम, वहाँ जाने का है। ये लगेज और पैसेंजर का है, बट ये अभी इस हालत में नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं अंदर से जाके। और इसी में जब 1947 का वॉर हुआ था, 1947 का जो वॉर हुआ था और 1971 का बांग्लादेश का, उस टाइम पे इन एयरक्राफ्ट का यूज़ हुआ था। तो हम लोग लकी हैं कि इसको देख पा रहे हैं। और मैंने सोचा अपने बेटे को भी दिखा दूँ तो पूरा गर्वित। और हमें भी, मैं आपको बता दूँ कि ये जो म्यूज़ियम है ये 1990 में बना था और 1995 में ये डकोटा यहाँ लाया गया था और तब से ये यहीं पर है। चलिए अब आपको बाकी की चीज़ें दिखाती हूँ जो वॉर में उस टाइम पे यूज़ की गई थी और अभी वो रखी हुई है यहाँ पर, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये जो आप क्रोकोडाइल देख रहे हैं वो ओरिजिनल है, और जब हम छोटे थे तब से हम इस क्रोकोडाइल को देख रहे हैं और बस यही पता है कि हाँ ये ओरिजिनल क्रोकोडाइल था। ये है बॉर्डर फेंसिंग जो आप देख रहे हैं, तो इस साइड में हमारा इंडिया का हो गया, उधर हो गया पाकिस्तान। तो इस टाइप से कुछ फेंसिंग होती है बॉर्डर पे, जो नहीं गया वो देख सकता है। और ये मेरे फ्रेंड्स मिल गए हैं दोनों के दोनों मेरे फ्रेंड्स बन गए हैं, तो आज हम साथ में ही सारा म्यूज़ियम देखेंगे, चलो चलते हैं। और ये देखिए आपको जम्मू में जो हमारे पेरेंट्स लोगों ने किस तरीके से कितनी स्ट्रगल के साथ जो ड्यूटी की है, तो उस टाइप के कुछ फ़ोटोज़ हैं जो आपको दिखाए गए हैं। ये देखिए पानी में से भी निकल के जा रहे हैं, तो सल्यूट है अब हमारे पापा लोगों को। अभी तो काफ़ी फैसिलिटीज़ हो गई हैं बट उस टाइम पे, ये गुजरात है, गुजरात में किस टाइप से जाते थे ये देखिए। और ये है राजस्थान, मेरे पापा मैंने भी राजस्थान में पोस्टेड थे। और ये जो श्री के एफ रुस्तम जी हैं, जो मतलब फाउंडर हैं बीएसएफ स्कूल के, वो ऊपर ये देखिए। और एक और है, उनका मुझे नाम याद नहीं है, अगर मुझे उनका नाम कहीं दिखेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो ये स्कूल उन्होंने ओपन किया था। और ये देखिए आपको मैं फ़ोटोज़ दिखा देती हूँ। और ये कश्मीर का पुराने टाइम का, ये देखिए किस तरीके से बीएसएफ हेल्प कर रही है लोगों की, ये सब कुछ दिखाया गया है। ये देखिए उन लोगों को किस तरीके से बचा के लाती थी जो टेररिस्ट के चंगुल से छुड़ा के लाई है, वो सब कुछ दिखाया हुआ है। पहले इतना मेडिकल की फैसिलिटीज़ नहीं थी बट हमारी बीएसएफ कभी किसी चीज़ में पीछे नहीं रही। तो ये देखिए कोई फंस जाता है बर्फ में तो किस तरीके से एक साथ मिलकर वो उन्हें बचाते हैं। और ये डिप्लोमा का है, मतलब डिप्लोमा में ना जो ट्रेनिंग दी जाती है मशीन व्हीकल्स जो भी होता है उनकी, ये कंप्यूटर का, ये जो आप स्कूल देख रहे हैं ये प्राइमरी स्कूल है, इसमें मैंने पढ़ाई की है ये स्कूल। और ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिसमें मैं 6th स्टैंडर्ड से पढ़ी हूँ। और ये हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं, ये बीएसएफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये मेरा स्कूल, ये हमारे स्कूल का है। ये बच्चों को कुछ अवार्ड देते हुए, ये हॉस्टल का है, जो हमारा हॉस्टल है बीएसएफ का वो है। और ये देखिए सब चीज़ें, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे तब का है। और ये वेलफेयर सेंटर का है, जब ये वेलफेयर सेंटर का है,
अभी भी है वेलफेयर सेंटर वहाँ का है, जो लेडीज़ विडो हैं या जो नॉर्मल काम करती हैं उनके लिए है ये। ये देखिए वेलफेयर सेंटर के कुछ फ़ोटोज़ हैं, ये देखिए, ये देखिए, और ये राजीव गांधी जब आए थे BSF में तब का है। ये विडो की मैरिज का है, ये BSF वेलफेयर का है, ये देखिए वेलफेयर का है, ये सारा वेलफेयर का है। यहाँ पर वर्दी भी सिली जाती हैं, पहले मम्मी भी सिलाई करती थी और अब तो नहीं करती हैं, बट हाँ पहले मम्मी करती थी। ये देखिए नरगिस और सुनील दत्त, ये भी आए थे। ये जम्मू और कश्मीर का मतलब जो माउंटेन रेंज है या एरिया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस टाइप का होता है, कैसे कैसे चढ़ के जाना पड़ता है जो BSF पर ड्यूटी देते हैं। और एरिया ये स्पोर्ट्स का है, ये देखिए कबड्डी टीम, देखिए कुश्ती, दाव पिच, बास्केटबॉल, ये सारा BSF के अंडर का है। आपको कहीं और के फ़ोटोज़ नहीं है, ये सारे के सारे आपको BSF में जो टीम होती हैं वो सारी जो भी नेशनल इंटरनेशनल स्टेट लेवल पर जहाँ पर भी जाती है, ये देखिए टॉप ऑफ द पीक। ये देखिए तो जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ रिसीवर हैं, डिकोडर हैं, जनरेटर रखे हुए हैं, पुराने टाइम के टाइपराइटर रखे हुए हैं, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा जो आज के टाइम पे जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो नहीं हुआ करती थी, तो जो भी चीज़ें थी उसी में हम सब लोगों को काम चलाना पड़ता था। तो कुछ वायरलेस कम्युनिकेटर हैं वो भी रखे हुए हैं, तो जिससे कम्युनिकेट करते थे तो कभी कभी हमारी बातें अदर कंट्रीज़ भी सुन लेती थी, तो ये कम्युनिकेटर वो हैं वायरलेस वाले। उस टाइम के बारे में जानने में काफ़ी इंटरेस्ट आया मुझे। तो वो जो आप लास्ट में देख रहे हैं वो टैंक है, और इसके बगल में फिर ये तोप है, और तोप के जस्ट बगल में एंटी एयरक्राफ्ट गन है। तो इसका यूज़ होता है जब कोई अदर कंट्री का जेट या फिर कोई भी प्लेन आपके एरिया में घुस जाए या कहीं पर भी, तो उसको हवा में ब्लास्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये देखिए कितने सारे लोग अब म्यूज़ियम विज़िट करने के लिए आए हुए हैं, और इसके जस्ट बगल में फिर आपका ये तोप है। तोप के जस्ट जो बगल में है वो है बख्तरबंद गाड़ी। तो बख्तरबंद गाड़ियाँ वो होती हैं जिसमें आप छिपकर किसी अदर कंट्री में या जहाँ पर दुश्मन है वहाँ पर आप चुपके से जा सकते हैं उनसे बचने के लिए, क्योंकि इस पर काफ़ी चीज़ों का असर नहीं होता है। और मैंने खुद इसे टच करके देखा तो काफ़ी अच्छा लोहा यूज़ किया गया है, मोटी लेयर है इसकी, जिससे इस पर छोटी मोटी चीज़ों का तो असर होता नहीं है। और अभी तो ये रिटायर हो चुकी हैं, तो सिर्फ आप ये शो पीस टाइप में देख रहे हैं, बट इसका यूज़ उस टाइम पर बहुत वैल्यू रखता था जो हमें नहीं पता, हम सिर्फ जान सकते हैं, लोगों से जान सकते हैं। तो मैंने आज आपको पूरा म्यूज़ियम दिखाने की पूरी कोशिश की, और होप मैंने आपको अच्छे से दिखाया हो म्यूज़ियम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप BSF से रिलेटेड कुछ भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी।